गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट चैनल्स। तो आज हम आपको केमिकल काइनेटिक्स का कंसेक्यूटिव जो चैप्टर आपका लेक्चर चल रहा है उसमें हम लेके आए हैं आपके लिए। आज हम बताने वाले हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में जानेंगे हम लोग। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस इसको बोलते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है। तो आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताऊंगा मैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में आइडिया देंगे। फिर आपको इसी लेक्चर्स में हम बता दूंगा कि हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, किस तरह से हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आया करते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस भी होंगे और आपका न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी यहाँ से आएगा। तो सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की बात करते हैं। कहता है कि द केमिकल रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। कहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अनकॉमन, ज़्यादा कॉमन रिएक्शंस नहीं होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है काफ़ी कॉमन नहीं है, कुछ अनकॉमन रिएक्शन से कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये हुआ करते हैं, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे हम कि द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट अपॉन दी इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेट टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बुलाएंगे, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उसको क्या बुलाएंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कंसेंट्रेशन के टर्म पे ये डिफाइन नहीं, मतलब कंसेंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होगा, कंसेंट्रेशंस बढ़ाओ घटाओ दैट इज इंडिपेंडेंट है ये, तो उसको क्या बोलेंगे आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है अनकॉमन है, बहुत ज़्यादा नहीं आपको इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे, इसलिए कुछ स्पेशल कंडीशन में ही होता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको लिखा देता हूँ जो कि आपको इसको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला मान लो एग्जाम्पल हम लिखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया ऑन दी प्लेटिनम सरफेस। सपोज है कि डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया, एमोनिया का डिकम्पोजिशन पहला एग्जाम्पल जो हम देने जा रहे हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया ऑन दी प्लेटिनम सरफेस, ये होगी आपका कह सकते हैं ये इट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का ये एग्जाम्पल है। आप इसको नोट करते जाइए हमारे साथ, इस और इस रिएक्शन जितना मैं दिखाने जा रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, HCl, ठीक है। तो इसी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन, कीटोन जिसको बोलते हैं, इसका ब्रोमिनेशन भी क्या कहलाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाएगा, ब्रोमिनेशन ऑफ एसीटोन्स। उसके बाद है बहुत सारे एग्जांपल है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन मेटल सरफेस, आप पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में इस बात को, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन दी मेटल सरफेस, मेटल सरफेस पे किसी गैस का एडजॉर्ब होना, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाता है। किसी भी मेटल सरफेस पे गैस का एडजॉर्प्शन कहलाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन गोल्ड का सरफेस, कहता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन
दी गोल्ड सरफेस। ये सब सारे जो एग्जांपल मैं दिया हूँ ये क्या है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपका एग्जांपल है। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। मान के चलिए एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल, चार एग्जांपल, पांच एग्जांपल। एनसीईआरटी में ये चीज दिया हुआ है आपका, डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया ऑन द प्लेटिनम सरफेस इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे रेट कांस्टेंट का। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस से हम लोग रेट कांस्टेंट का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तो बाय इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो सबसे पहला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम बनाएंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हम लोग लाएंगे वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो बात आती है कि सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करके हम क्या लाएंगे, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट लाएंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट बोलिए या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट बोलिए, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट कवर कीजिए पहले। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन पहले लिखेंगे, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन होगा रेट कांस्टेंट का इसके जरिए, वेलोसिटी कांस्टेंट का कैलकुलेशन होगा। कुछ इसके ग्राफ्स भी आएंगे, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, किस तरह से स्लोप वगैरह आएगा देखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बात आती है कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको रेट एक्सप्रेशन बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, बताइए। रेट एक्सप्रेशन अगर जीरो ऑर्डर के लिए बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में हम कहते हैं यहाँ पे कि लगा देंगे पहले लिखिएगा रेट, रेट इक्वल टू क्या होता है के रिएक्टेंट है, आर है रिएक्टेंट का पावर जीरो, आर क्या है रिएक्टेंट का पावर जीरो, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशियल रेट माइनस डी आर बाई डी टी, ठीक है, माइनस डी आर बाई डी टी। माइनस इसलिए मैंने यूज किया, आपको पहले बता चुका हूं कि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है एज टाइम पासेस, टाइम के साथ रिएक्टेंट खर्च होता है, हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में खर्च हो रहा है, इसलिए अब हम इसको लिख सकते हैं कि आप जानते हो कि समथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन, इसीलिए क्या हो गया ये, इस रिएक्शन की खास बात आगे पता चलेगा आपको। ये भी कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का खास बात जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो रेट कांस्टेंट के ऑलवेज बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर आया। देखिए रेट बराबर क्या आ गया, के आ गया, आर का पावर जीरो बराबर के, मतलब रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है तो, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, इस माइनस को हटा देते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो कि डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के डी टी, यहाँ तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। डी आर बाई डी टी, डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी लिख सकते हैं इसको, डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ध्यान देंगे बात को। तो जब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम लिख रहे हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आप कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी, यहाँ तक क्लियर, दोनों साइड इंटीग्रेट करने जा रहे हैं हम। आप जानते हो कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लिखते हो एक्स, क्लियर। तो डी आर का इंटीग्रेशन पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, डी आर का इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और डी टी का इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है, डी टी को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स, तो डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि आर
इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस के टी, और यहाँ साथ में हम क्या लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये होगी आपका, इस इक्वेशन को आप मान सकते हो वन, इस इक्वेशन को आप वन भी मान सकते हैं, वन मान लीजिए इस इक्वेशन को। इतना पहले आप नोट कीजिए, फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि रेट हो गया जीरो, ए इसके बराबर के हो जाएगा, डी आर बाई डी टी माइनस के, डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट दिस। ठीक है, ये हम लोग पा चुके हैं। ठीक है, चलिए आप स्क्रीन शॉट लीजिए इसका। अब आगे मैं बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए लास्ट जो हम बात लिखे थे उसको हम एक बार फिर से लिखना चाहूँगा कि जो R आया था आपका, जो R ये आया था, R इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, इसको आप रखिए यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देंगे कि अब मैं बात करूँगा एट, यहाँ पे लिखेंगे एट t इक्वल टू जीरो सेकेंड, हम लिखते हैं यहाँ पे एट t इक्वल टू जीरो सेकेंड का मतलब ये है कि रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बताइए रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन होगा, मींस जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो लिखते हैं, रिएक्टेंट का जो कंसेंट्रेशन होगा, मतलब कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर हम लिख सकते हैं क्या, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टी इक्वल टू जीरो का मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल, ये आर नॉट जो लिखा हुआ है, क्या है, इनिशियल कंसेंट। इस सब बात पे बहुत बारीकी ध्यान दीजिएगा आप कि आर नॉट जो लिखे हैं हम, ये क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कि अभी रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ है। ठीक है, देखिए दोनों में क्या अंतर है बताएंगे आपको। ये जो है इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो टाइम पे है, और ये किसी टाइम पे कंसंट्रेशन है, ये किसी टाइम पे कंसंट्रेशन है। आर क्या है, किसी भी टाइम पे है, दो सेकेंड, चार सेकेंड, पाँच सेकेंड, और ये है जीरो सेकेंड, मतलब ये रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, दिमाग में छप गया। अब कहता है टी इक्वल टू जीरो सेकेंड, आर इक्वल टू आर नॉट, यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम ये t के जगह पे ये t इक्वल टू जीरो यहां पुट करने जा रहे हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन वन में यहां पे रख देते हैं फर्स्ट में। तो देखिए t का वैल्यू जीरो जब रखेंगे तो t का वैल्यू आप, अगर t इक्वल टू जीरो होगा, t इक्वल टू जीरो होगा तो r इक्वल टू क्या होगा, r नॉट होगा। तो t के जगह पे अगर हम जीरो करते हैं तो r के जगह पे क्या लिखना होगा, r नॉट इज इक्वल टू c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या आ गया, r नॉट, c इक्वल टू क्या हो गया, r नॉट। कहाँ तक बात आ गया, c इक्वल टू R नोट, C का वैल्यू हमारे पास आ गया R नोट। अब ये C का वैल्यू हम इक्वेशन वन में पुट करने जा रहे हैं, C का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो अब देखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन फर्स्ट में हम C का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस के टी प्लस सी के जगह पे क्या लिखे बताइए, आर नॉट इस सी के, चलिए एक बार पहले हम लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट यही है, इसके सी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये वाला वैल्यू। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी प्लस सी के जगह पे क्या लिख दें, आर नॉट, सी के जगह पे आर नॉट हो गया। अब ये के टी को जरा इधर लाते हैं तो बताइए क्या होगा, के टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर नॉट माइनस आर, के टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर। तो आप इससे के का वैल्यू ऑपरेट कर सकते हो कि आर नॉट माइनस आर बाई टी, आर नॉट माइनस आर बाई टी, ये क्या हो गया, के का वैल्यू यहां से हमारा फाइंड हो गया। के क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर रेट कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। इज इट क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हम यहाँ से ये चीज़ को लाएं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलिए हम इसको अब थोड़ा सा मिटाते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम इससे दो ग्राफ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, अभी आप चैनल के साथ बने रहिएगा, अभी और मजा आने वाला है। इस तरह से इंटीग्रेट करके हम क्या फाइंड किए, आपको पहले बता चुके थे कि हम लोग रेट कांस्टेंट को खोजने जा रहे हैं। तो रेट कांस्टेंट को खोजने का तरीका क्या था कि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें, हमारा रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हमारे सामने होता है। चलो अब ध्यान देंगे आप, अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक रिएक्शंस मैंने लिखा, अब उस इक्वेशन को थोड़ा सा हम देखते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे लिखते हैं आपका R इज इक्वल टू था क्या माइनस के टी प्लस सी, और लिखे थे क्या R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर के जगह सी के जगह पे R नोट था। ध्यान दीजिएगा कि इस इक्वेशन किस फॉर्मेट पे आ चुका है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे आ चुका है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे आ चुका है, y एम एक्स सी, तो y इज इक्वल टू एम इन टू एक्स प्लस सी के फॉर्मेट पे चला गया है। y हो गया ये, m हो गया ये, m इक्वल टू माइनस के x एक्सिस पे t रहेगा, और c क्या है इंटरसेप्ट है, ठीक है। m बराबर क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ यानी कि टेन थीटा जिसको आप बोलते हो, ठीक है वो होता है, और सी क्या है इंटरसेप्ट है, सी क्या है इंटरसेप्ट, जहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग ये ग्राफ कहीं पे कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये हो गया आर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आर रखिएगा, एक्स एक्सिस के सामने टी रखिएगा, और इसका ग्राफ जो है, क्योंकि स्लोप जो है एम, जो स्लोप बराबर क्या आ रहा है, स्लोप इक्वल टू माइनस एम, माइनस एम आ रहा है, स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप इक्वल टू माइनस के, स्लोप इक्वल एम इक्वल टू क्या है माइनस के है। तो यहाँ से हम ग्राफ गिराते हैं, तो यहाँ स्लोप क्या आपका आया, जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल, उसका हो गया एक्स स्लोप इक्वल टू माइनस के, माइनस के, और यहाँ का जो वैल्यू जहाँ पे ये कट किया है ग्राफ, इसका वैल्यू क्या है इंटरसेप्ट है, ये क्या है इंटरसेप्ट है, ये आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका ये सी, ये सी है आपका सी, सी का वैल्यू क्या है ये यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है ये क्या है आपका, ये आर नोट है, क्या है आर नोट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या है आर नोट है। यहाँ तक की कहानी सारी समझ में आ गई, किस तरह से हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जोड़ दिए और इसका ग्राफ खींच दिए। ग्राफ आया करता है, ध्यान रखिएगा ये ग्राफ आया करता है, एनसीईआरटी में ये ग्राफ भी दिया हुआ है आपका। तो ये हो गया ग्राफ क्या आपका, ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है आपका, रेट और टाइम के बीच का ग्राफ। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर हो गई, कोई तरह का दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक चीज आप नोट करके लिख ले कि फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि रेट इज इक्वल टू हो जाएगा रेट कॉन्स्टेंट, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, मतलब कि रेट बराबर क्या होगा के होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है रेट बराबर के कैसे होगा, अगर मान ले कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखे आर इक्वल टू के आर का पावर जीरो, तो आर का पावर जीरो का मतलब वन, तो क्या हो जाएगा रेट बराबर के हो जाएगा। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट बराबर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। अब मैं थोड़ा आपको मिलाना चाह रहा हूँ, इसी के साथ जोड़ दे रहा हूँ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन उसका, उसके बाद हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, उसके बाद nth ऑर्डर के लिए भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले जीरो वन को कवर करें जो हमारा सिलेबस को कवर करता है। चलिए तो अब यहाँ पे लिखिए आप हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अब हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन सुनने से ही लग रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, तो हाफ लाइफ ऑफ केमिकल रिएक्शन कहता है कि आपने जितना भी रिएक्टेंट उठाया है, आपने जितना भी रिएक्टेंट उठाया है
उसका आधा खत्म होने में जितना टाइम लग जाए उसी को बोलेंगे हाफ लाइफ। जैसे आपने उठाया 100 मोल प्रति लीटर, सपोज मोल पर लीटर, 50 मोल पर लीटर होने में जितना टाइम लग जाए वही कहलाएगा उसका हाफ लाइफ। आपने उठाया 20 मोल पर लीटर रिएक्टेंट का, 10 होने में, 20 का आधा 10, 10 होने में जितना टाइम लग जाए उसी को हाफ लाइफ बोलेंगे। आपने उठाया 50 मोल पर लीटर, 25 मोल होने में जितना टाइम लग जाए उसको बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इज इट क्लियर? तो हाफ लाइफ को हम लोग डिफाइन करेंगे कि द टाइम इन विच द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन। हाफ लाइफ क्या है? द टाइम इन विच हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन, ऑफ रिएक्शन गेट कंज्यूम्ड। ये भी बोल सकते हैं आप, जितना टाइम में आपका रिएक्टेंट का आधा कंसेंट्रेशन रिड्यूज हो जाए उसी को बोलेंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस। ठीक है? द टाइम इन विच कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन, इसी को बोलेंगे हाफ लाइफ। फिर से समझिए, मान लीजिए रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। आपने रिएक्टेंट का 100 मोल पर लीटर उठाया, इसका 50 खर्च होने में, आधा खर्च होने में जितना टाइम लगे उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। आपने 50 मोल पर लीटर उठाया, 25 होने में जितना टाइम लगे हाफ लाइफ। क्लियर? आधा होने में जितना भी टाइम लग जाए उसको हाफ लाइफ बोलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं। हाफ लाइफ इज डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल टी लिखिएगा, वहां के नीचे ऐसा लिखिएगा हाफ। ठीक है, स्मॉल टी और हाफ, ये हाफ लाइफ है। अब हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर, रिएक्शंस। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर, के लिए हम हाफ लाइफ निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जीरो ऑर्डर के लिए आप लिख लो सबसे पहले जो लिखाए हैं रेट कांस्टेंट का वैल्यू या टाइम का वैल्यू। क्या लिखा है रेट कांस्टेंट का वैल्यू? के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई टी। ठीक है, अब ये टी को यहाँ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये टी को यहाँ ले जाएंगे तो टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर बाई के हो गया, ये हो गया। अब हम हाफ लाइफ निकालना है, यहाँ पर टी पे है तो हम लोग टी हाफ निकालेंगे। ठीक है, ये किसी भी टाइम यहाँ पर निकालेंगे, किसी भी कंसंट्रेशन पे यहाँ पे निकालना। लेकिन हम लोग को कहाँ पे खोजना है कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाए उस टाइम को क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ। तो आप बताइए कि जब हम ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये है, इनिशियल कंसेंट्रेशन का जब आधा हो जाएगा, ठीक है, जब इनिशियल कंसेंट्रेशन का ये आधा हो जाएगा, तो उस टाइम को हम लोग क्या पुकारेंगे? टी हाफ। उस टाइम को क्या पुकारेंगे? हाफ लाइफ, ऑफ रिएक्शन। तो ये जो है इनिशियल कंसेंट्रेशन है, ये किसी टाइम पे है, तो जब हम हाफ टाइम पे खोजेंगे, हाफ लाइफ इसका निकालेंगे, तो ये जो कंसंट्रेशन होगा इनिशियल का आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे टी हाफ लिखते हैं तो ये आर नोट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर के जगह पे, ये जब हाफ लाइफ की बात आएगा तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इनिशियल का, आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप एलसीएम लोगे दो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू आर नोट माइनस आर नोट। अब बताइए क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका टू आर नोट
यहाँ पे लिख लीजिए इस तरह से, आपको सुविधा होगा कि यहाँ पे क्या है, ये के है, ठीक है। तो ये टू आर नोट, ध्यान दीजिएगा, टू आर नोट में से आर नोट निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, टू आर नोट माइनस आर नोट मीन्स आर नोट बाई, ये टू तो नीचे ही रह जाएगा, आर नोट बाई टू के, आर नोट बाई टू के, ये हो गया हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन फोर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हो गया। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब हाफ लाइफ है इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ रहे बात को। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कि हाफ लाइफ का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, हाफ लाइफ किसके लिए, टी हाफ वर्सेस, टी हाफ वर्सेस किसके बीच में ग्राफ खींचेंगे, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है, तो आप ग्राफ को ऐसा बना सकते हैं, ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, ऐसा बनेगा टी हाफ और आर नॉट के बीच में ये ग्राफ बनेगा। और जीरो ऑर्डर का ग्राफ क्या होगा, जीरो ऑर्डर क्या समझाए थे, देखिए जीरो साथ में ग्राफ बना रहे हैं, जीरो ऑर्डर का ग्राफ मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो उसका ग्राफ क्या होगा जीरो ऑर्डर के लिए, ध्यान में देखिए आप, जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ मैं खींचने जा रहा हूँ, तो जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ जब मैं खींचने जा रहा हूँ तो आप देखिए कि ये है ग्राफ जीरो ऑर्डर का, ठीक है। जीरो ऑर्डर का ग्राफ क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर का जो ग्राफ खींचेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि जीरो ऑर्डर के लिए, तो क्या आएगा, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचेंगे, किसके बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचेंगे, कंसंट्रेशन के बीच में, इसके मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चाहे आप कंसंट्रेशन कैसा भी रहे, ठीक है। इसके मतलब या क्या हो सकता है, आप पैरेलल टू क्या हो गया, एक्स एक्सिस ग्राफ पैरेलल हो जाएगा इसका, इसके मतलब इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है रेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इज इट क्लियर। तो ये दो ग्राफ आपके लिए इंपोर्टेंट, तीन ग्राफ हो गया, एक ग्राफ ये हो गया आपका जीरो ऑर्डर के लिए, एक दिखाया आपको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ किस तरह से स्लोप फाइंड करेंगे, और ये हो गया टी हाफ का जीरो ऑर्डर के लिए, टी हाफ वर्सेज आपका कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ हो गया। ये सारा चीज को आप क्या करो, अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, सजा लीजिए और इसको टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिए, आई थिंक आपको सारी कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। सारा चीज मैंने आपके सामने एक ट्रांसपेरेंट रूप में पेश करने की कोशिश किया, रखने की कोशिश की। अगर आपको ये सारी बात समझ में आए, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।